या हेलो एवरीवन नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और बहुत बहुत आपका स्वागत इस वीडियो में ये वीडियो में हम बात करेंगे वी ए आर सी स्लॉट थ्री स्पेशल फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑल फोर सेट्स आई विल ट्राई टू सॉल्व इट फॉर यू वी हैव ऑलरेडी डन पैरा जम्बल समरी एंड ऑड सेंटेंस आउट इन द प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का राइट सो गाइज इफ लुक एट कैट ट्वेंटी ट्वेंटी टू विच यू मस्ट बी अपियरिंग इन डेज टू कम The idea is to get a good percentile, right? <clears throat> but mind it, you need not score very high to get a good percentile. And if your verbal is good, you need not stop at a low score, just percentile. You try to kill that and try to get a fabulous percentile, right? <clears throat> so, the strategy for somebody who fears VARC and somebody who enjoys VARC.

इस वीडियो में और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी और आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ठीक <coughs> है जी जितने लोग कैट ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन के एस्पायरेंट थे राइट उनके लिए और वो दोबारा कैट ट्वेंटी टू दे रहे हैं तो उनके लिए ये है कि भाई एक दिन निकाल के एक घंटा निकाल के थोड़ा सोल सर्चिंग कर लेना कि कैट ट्वेंटी वन में पेपर अटैम्प्ट करते हुए क्या गलतियां की थी वो नहीं करनी है और जो कैट ट्वेंटी टू दे रहे हैं पहली बार जीवन में दे रहे हैं नेक्स्ट वीक मैं कुछ 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 टिप्स दूंगा आपको पेपर कैसे अपीयर करना है उनको ध्यान से सुनेगा और अपने आप पे विश्वास करके अपने आप को सॉलिड बना के लग जाना है और खोल देना है पेपर को राइट वन मोर इंफॉर्मेशन गाइज़ ऑल दोज हुर अपेयरिंग फॉर कैट ट्वेंटी टू Tomorrow, we are going to have a very special workshop, Saat Se Saat Saat Right, Saat Se Saat Saat So, this workshop is about your uh, five concentrated workshops on DILR, verbal, quant, right, two DILR, two quant, one verbal workshop, two hours each. So, 10 hours of concentrated learning. टू हेल्प यू बूस्ट यूर स्कोर सुबह सात बजे से लेके शाम के सात बजे तक ये वर्कशॉप होगी ट्वेंटिय नवम्बर दिस इज अव वर्कशॉप लाइव नो वेल्स जस्ट ऑन जूम राइट गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून शुरू करते हैं बेटा जी ओके 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 सो ऑल दो गाइज दिस इज द पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी वन स्लॉट थ्री लास्ट स्लॉट एंड इन दिस पेपर वी शैल बी डिस्कसिंग ऑल फोर

हर आरसी कुछ कहता है हर आरसी कुछ कहता है वो आरसी क्या कहता है भाई ये आपको जानना है दूसरा ऑप्शन आर देयर टू कन्फ्यूज यू ऑप्शन आर देयर टू कन्फ्यूज यू सो देर इज ओनली वन ऑप्शन ऑल द अदर ऑप्शन आर रॉन्ग और तीसरा तीसरा ये अंदर की बात है मतलब आर सी का आंसर जो है वो उस पैराग्राफ के अंदर ही है जस्ट आपको सही जगह पे पहुंचना है वहाँ पे आर का आंसर निकाल लेना है और पूरे आर को आपका जो समझ आ जाते हैं, जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इस चीज़ पर आते हैं राइट जहां पे हम कहेंगे कि हर आरसी कुछ कहता है जो क्वेश्चन डबल निगेशन क्वेश्चन होते हैं नन ऑफ दिस एक्सेप्ट काइंड ऑफ थिंग क्वेश्चन वो इस बेस पे हो जाते हैं और जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो इस बेस पे हो जाते हैं कि हर आरसी कुछ कहता है और ये अंदर की बात है राइट राइट गाइज आई होप यू ऑल आर रेडी 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 कैन यू टाइप रेडी राइट टाइप करते हैं रेडी और आ, आ, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बेटा जी पहले आरसी पहले सबसे पहले क्या करेंगे आरसी को समझते हैं राइट आरसी को समझने में आइडली आइडली आपको समय लगेगा समय लगेगा तीन से चार मिनट राइट तीन से चार मिनट में आरसी बड़े आराम से पढ़ा जाता है और अगर ज्यादा टेंशन है तो एक मिनट में दोबारा से क्विक रिविजन मार सकते हैं आप बट ये क्विक एक रिविजन मैं कहूँगा कि एंड के लिए रिजर्व रखें पहले तीन से चार मिनट में डोंट ट्राई टू रीड इट इन वन मिनट और टू मिनट्स राइट वन और टू मिनट में पढ़ा हुआ आरसी सी गलत जवाब देता है बट अगर तीन से चार मिनट इज़ ए वेरी गुड टाइम लेस देन थ्री गुड इफ यू कैन गेट द क्रक्स मोर देन फोर नीड टू इंक्रीज योर स्पीड और उसके लिए हाउ टू रीड फास्टर एंड बेटर और हमारा जो आर फंडा का वीडियो थ्री है वो आप देख लीजिए दैट शेल हेल्प यू टू रीड फास्टर एंड बेटर ओके शुरू करते हैं बैक इन अर्ली टू थाउजेंड्स एंड असम थिंग हैपन इन न्यू एक्स मैन कॉमिक्स ओके वट वॉज दैट थिंग दैट इज द क्वेश्चन दैट शुड कम टू माई माइंड आर म्यूटेंट हीरोज हैड बीन बैटलिंग जायट रॉबॉट्स कॉल्ड सेंटिनल्स फॉर यस बट सडनली दीज मकैनिकल ओवरलोड्स स्पॉन्ड अ न्यू थ्रेट नैनो सेंटिनल मतलब भैया पहले ये जो थे हमारे जो हीरो थे म्यूटेंट हीरो थे चलो कोई बात नहीं जो आ, म्यूटेशन से पैदा हुए मतलब आप कह सकते हैं तो वो <coughs> सेंटिनल से लड़ रहे थे और बट सडनली ये जो सेंटिनल्स थे इन्होंने नए अपने जो कहते हैं कि भाई वो बना लिए जिनका नाम है नैनो सेंटिनल्स राइट नॉट टू कंटेंट नॉट कंटेन टू रूल द अर्थ विद मील फेस्ट क्योंकि जो पहले वाले थे उनका पर्पज यही था कि धरती पर राज करना है अंधेरा कायम रहे टाइप सा दीज टाइनी रॉबोर्ट्स इनवेडेड आर बॉडीज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल इन्फेक्टेड ह्यूमन्यूमन स्लोली कन्वर्टेड इन टू मशीन सेल बाई सेल नाउ दिस इज वन आइडिया प्रेजेंटेड हेयर हो वियर इट सेज दैट कि भाई पुरानी जो कॉमिक में जो हमारे <clears throat> Uh, uh, जो हमारे दुश्मन थे बेसिकली सेंटिनल्स थे अब वो चेंज हो गए हैं वो चेंज हो गए क्या हो गए फॉर सेंटी बट सडनली दी यू नो स्पॉन्ड तो ओके okay, ये हो जाएगा फिर अब क्या हुआ नाउ सो दिस इज कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग नाउ अब क्या हुआ अ न्यू वेव ऑफ एक्सट्रीमली ऑड रॉबोर्ट्स इज मेकिंग एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी कम ट्रू मतलब जो कॉमिक में हुआ था अब वो रियलिटी में उसके जैसा कुछ कुछ उसके जैसा हो रहा है क्या हो रहा है using exotic fabrication material like squashy hydrogels and elastic polymers researchers are making autonomous devices that are often tiny and that could turn out to be more powerful than army of terminators so all this is this guy is comparing विद द अर्लियर वान्स कि वो बहुत बड़े बड़े थे पहले राइट ही बैटलिंग जाइन रॉबोर्ट नो दिज आर वेरी स्मॉल स्मॉल और वो लोग ये क्या करते हैं बंदे के अंदर घुस जाते थे और अभी उसका पैरल एनालि उसने ड्रॉ किया उन्होंने कहा कि भाई अभी एक्जॉटिक फेब्रिकेशन मटेरियल्स बन रहे हैं जैसे कि हाइड्रोजल्स एंड पॉलीमर्स वो क्या करते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं बट बहुत ताकतवर होते हैं सम आर वन सेंटीमीटर ब्लॉप दैट कैन स्केट ओवर वाटर ओके एक सेंटीमीटर के ब्लॉक मतलब ब्लॉक होता है कि जैसे कोई थिकी स्टील मटेरियल बन जाए ना तो उसका ये ऐसे एक लंप सा बन जाता तो है उसको ब्लॉक कह देते हैं अदर शीट्स अदर्स आर फ्लैट शीट्स दैट कैन रोल देम सेल्फ इन टू ट्यूब्स और मैचटिक साइज प्लास्टिक क्वाल दैट एक्ट एज पावरफुल मसल्स ओके सो ये कह रहा है कि भाई ये जो जो आपके हाइड्रोजे इलास्टिक पॉलीमर्स हैं ये ऐसे बन सकते हैं जैसे ये आ, आ, आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं जैसे इन्होंने बताया कि वो मैच स्टिक बन सकते हैं ताकि वो एज ए पावरफुल मसल काम कर सकते हैं नो नो ऑल ऑफ सडन वाई दे वॉन्ट बी इनवेडिंग आवर बॉडीज टर्निंग इन टू सेंटिनल्स राइट विच आई पर्सनली फाइंड अ लिटल विल डिसअपॉइंटिंग बट सम ऑफ देम कुड अ डे स्विम थ्रू आर ब्लड स्ट्रीम टू हील अस राइट सो बेटा जी देखिए <coughs> सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं एक काम बोलता हूँ जब भी आप आर पढ़ते हैं उसके पॉइंट साथ साथ में लिखते जाएं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कौन कौन से मेन पॉइंट आ रहे हैं जैसे पहला पॉइंट इन्होंने आया कि भाई पुराने जो कॉमिक वाले थे राइट वो बहुत बड़े बड़े थे अब उनके बीच में स्मॉल वाले राइट नैनो सेंटिनल्स एक कहानी में आए अब वही स्टोरी अब दोबारा ट्रू हो रही है क्या क्या भाई पॉलीमर्स और जो वो हैं आपके हाइड्रोजेल्स हैं वो उस कहानी को कर रहे हैं पर उसने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है भाई वो ऐसे नहीं होगा उसने बताया कि क्या क्या, क्या, क्या क्या काम करते हैं बट वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें सेंटिनल्स नहीं बना देंगे हमें रोबोट्स नहीं बना देंगे बट बट वो हमें ट्रीट कर सकते हैं हमें हेल्प कर सकते हैं फ्लोट करने में ये बहुत तीन चार साल उसने एग्जाम्पल्स बताई कैसे वो हेल्प कर सकते हैं दे ऑल्सो कुड क्लीन अप द पॉल्यूटेंट्स और फोल्ड दम सेल्फ इन डिफरेंट ओके ये भी वही वही कहानी है unlike a traditional robot which is made up of mechanical parts these new kind of made up of a molecular parts okay so this is mechanical parts versus molecular parts right the principle is same both are devices that can move around and do things independently this is how he defines robot but a robot made of smart materials might be nothing more than a pink drop of a hydrogen तो बेसिकली वो इसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर रहा है उसने पहले एग्जाम्पल भी दिया कि भाई ये टर्मिनेटर जैसे ऐसे खूंखार बहुत बड़े जीव नहीं होंगे ये छुट्टू छुट्टू जीव होंगे जो बड़े बड़े काम करने की काबिलियत रखते होंगे ठीक है नैनो टेक्नोलॉजी की जैसे हम बात करते हैं कि ये छुट्टू छुट्टू रहेंगे बट बहुत हेल्प uh, करते हैं और 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 इन्होंने क्या कंट्रास्ट uh, किया राइट दे मे बी अ स्मॉल यू नो दे डोंट हैव गियर्स वायर्स

वही चीज होगी वन ऑफ द टीम ऑफ रिसर्चर फॉर एग्जाम्पल डिवेल्ड ए डिफिकल्ट काइंड ऑफ हाइड्रोजल एक्सपोज टू लो वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसन स्टॉप बींगस ठीक ही ओके तो एक एग्जाम्पल ये फटाफट 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 चलेगी क्योंकि उसने बोला है कि भाई एक आपका ऐसा हाइड्रोजेल है जिसको साइंटिस्ट ने डिवेल्प किया है जिसको करने से क्या होगा भाई उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो वो स्टिक कर जाता है इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दो वो चिपक जाता है तो जैसे वो मूवी आई थी आई थिंक बादशाह बादशाह ये हमारे शाहरुख खान की उस मूवी में भी वो जूते दिखाई

turn off the adhesive uh, like a light switch right okay robots that are wholly or partially made of glue something same blob glue huh? aren't sticky liquid aren't the future that i was promised right in the robo, uh, in science fiction but it is definitely the future i want Malab ये जो छुट्टू 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 फ्यूचर है ये उन्होंने नहीं दिखाया था साइंस फिक्शन इससे डिफरेंट हो गया क्योंकि साइंस फिक्शन में क्या था भाई ये रोबोट बंदे के अंदर चले जाते हैं और बंदे को रोबोट बना देते हैं पर इसमें क्या है कि छोटे छोटे रोबोट जो हैं वो बड़े बड़े रोबोट को सपोर्ट कर रहे हैं और दिस इज समथिंग ऑथर लाइक्स इट ही इज एक्साइटेड अबाउट इट राइट आई एम स्पेशली कीन ऑन द नैनोमीटर स्केल सॉफ्ट रॉबोट दैट कुड एनी डे स्विम थ्रू आवर बॉडीज मतलब खास करके वो किसको एक्साइटेड छोटे छोटे बंदे के अंदर यार ब्लॉकेज हो गई है ना उसका बाईपास सर्जरी नहीं करनी पड़ी ये चार रॉबोट को भेजा भाई जाओ भाई करके आओ काम है वो बंदे के अंदर जाएंगे और जहां पे कैंसर सेल है उसको ठीक करके वापिस आ जाएंगे राइट ओके मेटिन सेटी या डायरेक्टर एट लबला ब्लबला वर्कड विद कलीग्स देखो ना इसको स्किप करना होता है डोंट प्रोसेस दिस इन्फॉर्मेशन कि वो जर्मनी में है अनलेस अदरवाइज देर इज ए क्वेश्चन ऑन दैट सो यू कैन ऑलवेज कम बैक सो विच वर्क विद कोलिग्स टू प्रोटोटाइप दीज टाइनी सिंथेटिक बीट्स यूजिंग वेरियस स्ट्रैचिंग मटीरियल सच एस सिंपल रबर सीडिंग दैम विद मैग्नेटिक माइक्रो पार्टिकल्स है ना तो उन्होंने माइक्रो मैग ऐसा कुछ बनाया जो ये ऑथर चाह रहा था कि ऐसा कोई बनाए तो ऐसे उसने एग्जाम्पल दिया कि भाई जैसा मैं विश कर रहा हूँ ऐसा एक बंदे ने बनाया दे आर असेंबल्ड इंटू ए फिनिश्ड शेप अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और वो ऐसे हो जाते हैं मयूर पाटिल हाई हेलो हॉ आर यू डियर राइट दीज रिजल्ट लुक लाइक फ्लावर्स और जोमेट्रिक शेप्स मेड फ्रॉम टिंकर टॉय बॉल एंड स्टिक मॉडलिंग किट्स राइट तो ये ऐसा लगता है जैसे वो मॉडलिंग किट्स होती है ना जब बच्चे बनाते हैं तो उस फ्लार या जोमेट्रिक शेप्स की तरह लगते हैं दे आर गाइडेड थ्रू ट्यूब्स ऑफ फ्लूड यूजिंग फ्लूड यूजिंग मैग्नेट और उसको मैग्नेट गाइड करता है राइट कैन इवन स्टॉप एंड क्लींज टू द साइड्स ऑफ ए ट्यूब वो एक ट्यूब के साइड को पकड़ भी सकते हैं उसको क्लिनज भी कर सकते हैं और आ, उसके टॉप पे भी लग सकते हैं राइट सो दिस इज वट ही इज ऐसे माइक्रो पार्टिकल्स हैं ये आगे क्या करेंगे राइट right? क्या क्या कर सकते हैं ओके सो कैन कैन यू जस्ट टाइप इन द समरी In your own words, right? What author is really trying to say? Before we go for the question, right? छोटा छोटा एक लाइन का समरी लिख सकते हैं भाई आप लोग या yeah, just try writing the summary, right? सभी लोग सभी जो जो भी uh, recorded watch कर रहे हैं या uh, इसको लाइव देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे अपना समरी लिखेंगे डिस्क्रिप्शन uh, में लिख दो या अपने उस पर लिख दो डिस्क्रिप्शन में लिखोगे तो आई विल बी एबल टू सी दैट ओके विच ऑफ़ द फॉलोइंग रीजन सिनेरियोस इफ फॉल्स कुड बी सीन एज सपोर्टिंग द पैसेज ठीक है उससे पहले हम देख लेते हैं उन्होंने हमें क्या क्या आइडियाज की बात की कॉमिक्स के में जो बंदे आते थे ठीक है उसमें उन्होंने नैनो सेंटिनल्स को बताया कैसे करते थे वो उनके कैसे वो अलग थे बड़े वालों से देन ही टॉक्ड अबाउट न्यू मटीरियल लाइक

एग्जाम्पल दिया और एक बात बाद में जाते जाते फॉरन वाला कोई भाई है उसकी भी एग्जाम्पल बताई राइट पूरे पुनीत खनेजा राइट और उसकी भी एग्जाम्पल बताई कि भाई उस भाई ने कुछ 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 करके ऐसा पार्टिकल बनाया है जो मैग्नेटिक ट्यूब चलते हैं वो बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया उसने हो सकता है कि उसके आगे डिटेल हो बट अभी तक के लिए इतना ही किया है लव यू डियर पुनीत खनेजा कहाँ से हैं डियर आप चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इफ फॉल्स कुड बी सीन एज सपोर्टिंग द पैसेज मतलब इनमें से कौन सी चीज है अगर फॉल्स हो गई तो वो पैसेज को सपोर्ट करेगी मतलब बाकी चीज क्या होंगी जो अभी पैसेज को सपोर्ट कर रही है देखते हैं सम हाइड्रोजेल टर्न स्टिकी वेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम राइट दिस इज पोटेंशियली हैज वेरी यूजफुल एप्लीकेशन भाई ये चीज़ जो है ये तो अभी अभी ही हमारा हेल्पफुल है तो ये फॉल्स हो के कैसे हेल्पफुल होगी तो दिस कैन नॉट बी द आंसर राइट रॉबोर्ट्स मेड फ्रॉम स्मॉल मटेरियल्स आर लाइकली टू बिकम पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ इन फ्यूचर हाँ भाई ये भी उसने कहा है ये फॉल्स हो गया तो हमारा पैसे डिस्पोर्ट नहीं होगा नैनो सेंटिनल्स लाइक रॉबोर्ट्स आर लाइकली टू बी यूज टू इंजेक्ट पीपल टू कन्वर्ट दैम इन टू ना 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 यही चीज तो कहता है कि ऑथर भाई कि ये नहीं होगा नो नो दिस इज यर हेयर इट इज नो दे वॉन्ट बी इन्वेडिंग आवर बॉडीज टर्निंग अलू सेंटिनल्स तो मतलब ये अगर फॉल्स हो जाएगी तो ऑथर को सपोर्ट करेगी भाई ऑथर कह रहा है कि वो इंजेक्ट किए जा सकते हैं बिल्कुल किए जा सकते हैं बट उनको बेटा जी रोबोट कन्वर्ट करने में नहीं उनको उनकी बीमारियां ठीक करने में उनका जो ब्लॉकेज है ठीक है समथिंग हालांकि उसने मेंशन नहीं किया डायरेक्टली बट हील करने के लिए उसको ठीक वो कर सकते हैं ठीक है, है? जहाँ पे हम वैसे इंस्ट्रूमेंट नहीं भेज सकते मतलब उसको इन्वेसिव सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है राइट अरे आर यू गेटिंग इट कुछ 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 इसका ऑप्लीकेशन हो भी रहा है आजकल जैसे रोबोटिक आर्म्स हैं और या आप देखेंगे कि वो बहुत प्रिसीजन से चलती हैं वो सारा कुछ हो रहा है चौथा भी देखते हैं हम देर आर टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज टू मेन नैनो अदर रिएक्ट पॉजिटिवली अदर नेगेटिवली हाँ ये तो सही है मतलब अगर ये चीज़ें गलत हो जाएंगी तो ये पैसेज को सपोर्ट नहीं करेंगी यही चीज़ है जो ऑथर ने निगेट किया है तो दैट इज द आंसर अरे वाह वेरी गुड रोहतक सो यू शुड मीट वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्रॉम रोहतक देव राइट right? जीन रोहतक से बहुत बच्चे हैं भाई जो चैनल देखते हैं और आप बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिनको अभी इसके बारे में पता नहीं है ओके सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा जी पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्लियर हुआ ना अच्छे तरीके से ओके okay. ठीक है मेरे वीडियो लेक्चर्स को ना आप जस्ट एक नॉर्मल लेक्चर की तरह लिया करो जैसे आप किसी कोचिंग में बैठ के लेक्चर लगा रहे हैं ना मानो ऐसा ही लगा रहे मैं भी वैसे ही फील करके पढ़ाता हूं राइट ओके सो दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ यू ट्रू डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज मतलब जो पैसेज में कहा गया है उसी को आगे लेके चल रहा है भाई इन फ्यूचर रॉबर्ट्स विल बी यूज टू सर्च एंड डिस्ट्रॉय डिजीजेज इवन इन द डीपेस्ट रिसर्सिस ऑफ ह्यूमन बॉडी बिल्कुल सही है भाई ये तो कहा उसने ठीक है देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं द एक्समैन मे बी क्रिएटेड बाई इंजेक्टिंग पीपल विद म्यूटे नैनोजेल दैट विल रिस्पॉन्ड टू ब्रेन मैग्नेटिक फील्ड नहीं ये डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है राइट right? <laughs> हम एक्समैन क्रिएट कर सकते हो सकता है भाई ऐसा हो जाए कि वो आइटम को भेज के बंदे के अंदर कमाल हो जाए पर ये डायरेक्ट एक्सटेंशन नहीं है इसके लिए बहुत ज़्यादा और रिसर्च चाहिए होगी राइट के बंदों को मैग्नेटिक फील्ड से उनका माइंड भाई इन्हीं को अभी कंट्रोल कर लें वही बहुत बड़ी बात है सेंटिनल रोबोट्स विल बी यूस्ड इन वॉरफेयर टू कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्टिव म्यूटेशन अमंग सिविलाइजेशन भाई उनको म्यूटेशन कर देंगे ये भी थोड़ा सा गड़बड़ा मतलब ये ऑथर बिल्कुल नहीं कह रहा ये बड़ा पॉइंट है जो उसने बार बार कहा है कि नहीं भाई मैं नहीं चाहता कि ये बंदे के अंदर घुस जाए और उसको म्यूटेंट कर दें क्योंकि इसमें और इसमें उसने कहा भी है उसने क्या कहा है उसने देखो यहां पे एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ स्टोरी इज ट्रू नॉट द फुल पार्ट ऑफ द स्टोरी इज ट्रू वो छोटे छोटे रोबोट हैं वो कमाल करेंगे ये ट्रू है बट बट वो कमाल करके धमाल कर देंगे बंदों को बेहाल कर देंगे और उनका लालो लाल कर देंगे ऐसा उसने बिल्कुल नहीं कहा वो कहते है। जैसा कि कॉमिक में करते थे कॉमिक में जरूर कर रहे थे ठीक है कि भाई वो नॉर्मल इंसानों के अंदर घुस के उनको रोबोट बना रहे थे और वही उनके दुश्मन बन जा रहे थे राइट पर इसमें रियल लाइफ में ऑथर कहता है ऐसा नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं है वन सेंटीमीटर ब्लॉब्स ऑफ जेल दैट हैव नैनो है इन देम विल बी यूज टू सेंड मैसेजेस अरे अपने पास व्हाट्सएप है ना यार टेलीग्राम है नहीं बहुत सारा कुछ और है मैसेज करने के लिए वाई टू वरी राइट आई होप यू लाइक डिट येस एब्सुलटली माई डियर बॉयज एंड गर्ल्स शाइन फातिमा अक्षित द्विवेदी अक्षित खु, अंकिता खुशवाहा बिल्कुल सही एकदम सही वंशिता इरवानी ने समरी लिखी है ही इज ट्राइंग टू कंपेयर फिक्शन कॉमिक रॉबर्ट विद वॉट रियलिटी इज देन ऑफ समॉट ही वुड प्रेफर टू सी इन द फ्यूचर शोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सन हाउ

रॉबर्ट बिकेम म्यूटेंट हुआ नए नए नहीं नए नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं 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 ये तो थोड़ी ना यार वो रॉबर्ट बन गई उनको थोड़ी एक्समैन कहा है एक्समैन तो अलग हैं राइट ये नहीं है टाइनी सेंटी सेंटिनल्स कॉल्ड एक्समैन इन्फेक्टेड पीपल राइट टर्निंग देम इन टू म्यूटेंट टाइनील कॉल्ड एक्समैन नहीं यार एक्समैन अलग थे टाइनी सेंटिनल sent अलग थे उनके टाइनी सेंटिनल अलग थे राइट ये इसमें घुस रहे थे मतलब ये लोगों में घुस रहे थे और उनको वो बना रहे थे ये बिल्कुल गलत है ये भी गलत है तो फर्स्ट आंसर आ गया दिस इज ऑल्सो फर्स्ट एब्सोलुटली निकी वंशिता अमन सिंह शाहिंग फातिमा वेरी गुड एबसोल्यूटली वंडरफुल बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इट समराइज सेंट्रल पॉइंट सेंट्रल पॉइंट कौन समराइज करता है रॉबोर्ट्स विल यूज नैनो रॉबोर्ट्स ऑन देयर फीट एंड वील्स टू क्लाइंब मूव वॉल्स ऑन द सीलिंग नथिंग रॉन्ग विद इट राइट वांस द स्टफ ऑफ साइंस फिक्शन नैनो रॉबोर्ट्स नाउ फीचर इन कटिंग साइंटिफिक रिसर्च देखो भाई ये भी कहीं ना कहीं सच है राइट बट दिस इज नॉट द मेन क्रक्स दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट हाउ नैनो रोबोट्स कैन हालांकि उसने ये टर्म यूज़ नहीं किया है नैनो रोबोट्स राइट मान लेते हैं कि भाई उसके यूज़ करेंगे तो मतलब ये एक्सटेंशन नहीं हो सकता है और ये इट कैनोट बी देंट्रल पॉइंट एंड द बेस्ट समरी नो नो नॉट एट ऑल दिस कुड भी दिस कुड भी कि भाई पहले जो कभी बात हम कहानियों में सुनते थे अब वो साइंटिफिक रिसर्च बन रही है नैनो रॉबोट्स मेड फ्रॉम मॉलिक्यूल दे एट रिएक्ट टू वाटर हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली यूजफुल भाई खाली ये नहीं ये तो एक एग्जाम्पल है राइट right? और नैनो रॉबोट खाली इसी से नहीं बनेंगे दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल राइट ओके सो दिस इज अगेन पार्शियल द फील्ड ऑफ robotics इज लाइक टू फीचर मोर उल्टा कर दिया इसने कि अभी पहले जो फिक्शन में आता था वो रोबोटिक्स में आ रहा, आ रहा है बोल रहे हैं कि रोबोटिक्स वाली बात फीचर में जाएगी भाई ये बेस्ट समरी नहीं है भाई तो ये सेकेंड आंसर हो जाएगा <laughs> तो मेरे को लगता है ये सब का सबका सही होगा वाह भाई वाह वाह या वाराद पांडे दिस वाज माय स्लॉट लास्ट ईयर वन ऑफ द इजीएस्ट बिल्कुल भाई अगर तुम ये छोड़ के आए तुमने अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती की ठीक है और अगर करके आए तो बहुत बढ़िया यू मस्ट हैव द फुल बेनिफिट ऑफ दिस ठीक है जी नेक्स्ट आर सी आ गया ये आर बहुत बढ़िया है हमें बड़ा मज़ा आया आर करके और इसके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो आपको बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमें करना होगा क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी पिछले साल जब ये आया था ठीक है और जितने भी लोग कैट ट्वेंटी टू दे रहे हैं मेरा बच्चा उनके लिए मैं बता रहा हूँ मैंने ट्वेंटी ट्वेंटी वन के तीनों स्लॉट के तीनों पेपर को एंड टू एंड सॉल्व किया है इन सभी को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा आपके पास अभी जो टाइम है और जो लोग राइट नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दे रहे हैं दोज ऑल हुआ अपियरिंग फॉर ट्वेंटी थ्री आप अपनी प्रिपरेशन करते समय इनको बार बार देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैट क्या चाहता है टू एक्चुअली नो द रियल लेवल राइट के कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं कौन से करने हैं लाइक like, मैं जिनका आर सी स्ट्रोंग नहीं है देखो भाई जिसका जो सेक्शन स्ट्रांग है वो तो तोड़फोड़ मचा के आएगा अगर आप बैट्समैन है ना यार अगर आप बैट्समैन हैं और आपको एज ए बैट्समैन टीम में लिया है तो, तो भाई आप फिफ्टी मारेंगे ही मारेंगे ना भाई बट अगर आप बॉलर हैं पर आपको बैटिंग भी तो करनी पड़ रही है ना भाई तो जब आप बॉलर को बैटिंग करनी पड़ जाती है मतलब आपका बर्वल स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है स्ट्रॉन्ग एरिया आपका क्वांट है तो उसमें आपको क्या करना होता है आपको विराट कोहली नहीं बनना होता है आपको बस अपना लेवल समझ के इतने रन बनाने होते हैं कि टीम को कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए यू नीड नॉट सेट फिफ्टीज़ इन इन योर यू नो वीक सेक्शन यही मेरी एडवाइस है सबसे चलिए बेटा जी ठीक है कीपिंग टाइम एकूरेटली कम्स विद ए प्राइस ओके समय को सही रखना कीपिंग टाइम एकूरेटली राइट महंगा पड़ता है द मैक्सिमम एक्यूरेसी ऑफ ए क्लॉक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ मच डिसऑर्डर और एंट्रॉपी जो इंजीनियर है उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा क्योंकि एंट्रॉपी एन उन्होंने पढ़ी होती है नॉन इंजीनियर थोड़ा सा इसके अंदर राइट right, गड़बड़ा जाती है ये दोनों आर्टिकल द न्यू साइंटिस्ट के नाम से वेबसाइट से लिए गए हैं इट क्रिएट्स एवरी टाइम इट टिक्स एन एट द यू एंड हर क्लीग्स मेड दिस डिस्कवरी यूजिंग ए टाइनी क्लॉक विद एन एक्यूरेसी कैन बी दैट कैन बी कंट्रोल्ड क्या ऑब्जर्वेशन की दिस इज द ऑब्जर्वेशन कि भाई एक्चूरेसी जो है एक्यूरेसी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड हो है किसके एंट्रोपी के द क्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ ए फिफ्टी नैनोमेट्रिक थिक नैनोमीटर बहुत छोटा होता है ठीक है नैनो इज वेरी स्मॉल नैनोमीटर थिक मेम्ब्रेन ऑफ सिलिकॉन नाइट्राइड वाइब्रेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट ओके सिलिकॉन नाइट्राइड के मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रिक करंट से वाइब्रेट कराएगा hmm. ठीक है

ओके okay. दूसरा उन्होंने बताया कि एक एक्सपेरिमेंट है जो एन नाम का कोई है इसने यूओ के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर ये सारी की है वो कैसे किया वो उन्होंने बता दिया द रिसर्चर्स फाउंड दैट एज दे इंक्रीज क्लॉक्स एक्यूरेसी द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम ग्रू इंक्रीजिंग द एंट्रॉपी ऑफ इट्स सराउंडिंग बाय जॉसलिंग द पार्टिकल नियर बाय मतलब इस रिसर्च ने इस, इस यू नो जो बात कही गई है हमारे ऑथर के द्वारा उसको सब्सटेंशिएट किया है एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसमें नाइट राइड था सिलिकॉन बट वट एवर इट वॉज इट इज सेकेंडरी थिंग राइट नेक्स्ट इफ अ क्लॉक इज मोर एक्यूरेट यू आर पेइंग फॉर इट सम हाउ सेज एरिज इन दिस केस यू पे फॉर इट बाई पॉरिंग मोर ऑर्डर्ड एनर्जी इन टू द क्लॉक विच इज देन कन्वर्टेड इन टू एंट्रॉपी मतलब आप उसको कैसे पे कर रहे हैं यू आर पुटिंग द एनर्जी इन टू पुटिंग द ऑर्डर इन टू दट प्राइस यू आर पेइंग यू आर पुटिंग मोर ऑर्डर इन टू द क्लॉक नो इन दिस केस यू पे फॉर इट बाय पोरिंग मोर ऑर्डर एनर्जी इंटू द क्लॉक विच देन कन्वर्ट्स इंटू एंट्रोपी जो कि बाद में जो ऑर्डर आपने उसमें इंसर्ट किया दैट ऑर्डर ट्रांसफर्स टू एंट्रोपी बाय मेजरिंग टाइम वी आर इंक्रीजिंग द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ये The more entropy there in the universe, the closer made to the eventual demise. Oh my God, the maybe we should stop measuring time, says Aires. The scale of additional entropy is so small, though, 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 that there is no need to worry about its effect. She says. पहले तो उसने आ, मजे ले लिए हमारे क्या कि भाई यूनिवर्स की एंट्रोपी हो जाएगी फिर हमारे दिमाग में आया भाई एंट्रोपी बढ़ गई तो क्या होगा फिर हमारे दिमाग में आया एंट्रोपी बढ़ गई तो इंट्रॉपी बढ़ने से क्या हो जाएगा इंट्रॉपी बढ़ने से हमारी जो है आ, 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 बर्बादी हो जाएगी इसने बोला कि इवेंचुअल डिमाइस खत्म हो जाएगा प्रोग्राम सारा राइट बट उसने कहा है कि भाई टाइम रोक देना चाहिए बट फिर इमीडिएटली उसने कहा कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंट्रॉपी का जो एडिशन है वो बहुत स्मॉल है इंक्रीज इन इंट्रॉपी इन टाइम मेकिंग मे बी रिलेटेड टू एरो ऑफ टाइम सेज एम एच एट द ए एस वॉज पार्ट ऑफ द रिसर्च टीम ठीक है उस बोला था ना उसने यहाँ पे एंड हर क्लीग्स तो ये उसने कहा अब उसके क्लीग ने कहा क्या कहा कि भाई इंक्रीज एंट्रॉपी को हम एरो ऑफ टाइम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कैसे रिलेट कर सकते हैं शायद आगे बताएगा इट हैज़ बीन सुजेस्टेड दैट द रीजन दैट टाइम ओनली फ्लोज फॉरवर्ड नॉट इन द रिवर्स इज दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एंट्रोपी इन द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग क्रिएटिंग डिसऑर्डर दैट कैन नॉट बी पुट इन ऑर्डर अगेन ओके तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो समय है वो आगे की तरफ ही जाता है पीछे की तरफ नहीं जाता है इसीलिए क्योंकि समय आगे की तरफ जाता है ये समय जो आगे की तरफ जाना है वही एंट्रॉपी क्रिएट कर रहा है राइट right? वही एंट्रॉपी क्रिएट कर रहा है क्योंकि जो चीज़ एक डिसऑर्डर होगी उसको दोबारा ऑर्डर में डाला नहीं जा सकता अ क्लॉक दैट क्रिएट्स मोस्ट पॉसिबल

कि इसकी एक्यूरेसी पे एक लिमिट है मतलब देयर इज़ ए लिमिट टू द एक्यूरेसी ऑफ ए क्लॉक मतलब क्या हुआ था इन्होंने क्या कहा था कि जैसे जैसे हम एक्यूरेसी इंक्रीज करते हैं मेरी जो डिसऑर्डर है जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाती है ये एक फर्स्ट फाउंडेशन थी फाइंडिंग थी इनकी दूसरी फाइंडिंग क्या है कि जैसे जैसे ये बताई थी हमें एरिस ने अब ये बता रहा है भाई हमारा अर्थर हबर 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 बर हबर कुछ भी कहो तो हबर ने क्या कहा कि भाई लिमिट है किसके ऊपर लिमिट है द रिलेशनशिप दैट द रिसर्चर्स फाउंड इज अ लिमिट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ ए क्लॉक सो इट डज मीन दैट अ क्लॉक दैट क्रिएट्स द मोस्ट पॉसिबल एंट्रोपी वुड बी मैक्सिमली एक्यूरेट आर यू गेटिंग इट कि भाई जो सबसे ज्यादा Uh, इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा एंट्रॉपी क्रिएट करेगा वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा ये जरूर है कि एक्यूरेसी क्रिएट करेंगे तो एंट्रोपी होगी पर अगर एंट्रॉपी है तो एक्यूरेसी होगी ऐसा जरूरी नहीं है ये देखो रिवर्स स्टेटमेंट है आप ऐसा अज्यूम कर सकते क्योंकि ये सिंगल रिलेशनशिप है ठीक है जैसे हम ना उसमें कहते हैं कि अगर इफ़ देयर विल बी रेन देन ग्राउंड विल बी वेट बट इफ ग्राउंड इज वेट दैट डजन मीन देयर इज ए रेन बट इफ ग्राउंड इज नॉट वेट देन डेफिनेटली मीन्स देन डेफिनेटली मीन्स देर इज नो रेन राइट सो एक रिलेशन क्या होता है कि अगर ग्राउंड वेट है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि रेन वही हो तो वही कह रहा है ये अगर एकूरेसी है तो एंट्रॉपी इंक्रीज हो रही है बट अगर बहुत ज्यादा एंट्रोपी है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई एकूरेसी इंक्रीज हो रही है गॉट एट ओके हैंस अ लार्ज इनएफिशियट ग्रैंड फादर्स क्लॉक इज इन मोर प्रिसाइज देन एन अटोमिक क्लॉक मतलब जो ग्रैंड फादर का क्लॉक है वो एक्ूरेसी तो शायद उतनी ही दे रहा है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है बट वो एनर्जी ज़्यादा खा रहा है इसलिए वो इनफिशियंट है तो मतलब क्या हो गया कि अटोमिक क्लॉक की एकूरेसी कम एंट्रॉपी पे आती है बाबा के क्लॉक की जो एक है वो ज़्यादा एंट्रॉपी पे आती है अगर उल्टा रिलेशन होता अगर ऐसा होता क्या होता कि एंट्रोपी डिफाइन करती एक्यूरेसी, तो बाबा के क्लॉक की एक्यूरेसी ज्यादा होनी थी गॉट इट चलिए इट इज बिट लाइक फिर उसने एग्जाम्पल दी इस चीज को समझाने के लिए एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आप कभी भी ना ऑथर एग्जाम्पल देता है बेटा तो ये समझा करो वो एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए है राइट आर यू गेटिंग इट दैट एग्जाम्पल इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाहता था क्या कहना चाह रहा है कि फ्यूल यूज इन ए कार जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग मोर फ्यूल डजेंट मीन दैट आई एम गोइंग फास्टर और फर्दर राइट मतलब क्या हो गया भाई अगर आपको दूर जाना है तो तेल ज़्यादा लगेगा ही लगेगा बट अगर आपकी गाड़ी तेल ज्यादा खा रही है तो मतलब इसका जरूरी नहीं है कि वो दूर जा रही है वेन रिसर्चर्स कंपेयर देयर रिजल्ट विद अ थियोराटिकल मॉडल्स डिवेल्प फॉर क्लॉक्स दैट रिलाई ऑन क्वांटम इफेक्ट्स

क्योंकि एटॉमिक के साथ प्रैक्टिकल शायद करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसीलिए उन्होंने ये uh, मतलब थियोराटिकल मॉडल किया बट देयर वॉज सिमिलैरिटी इन दैट राइट दिस इज वॉट देयर सेंग सो वी कान बी श्योर दैट दीट्स रिजल्ट आर एक्चुअली यूनिवर्सल मतलब वो उन्होंने ऑथर ने कहा डिस्क्लेमर uh, दिया कि भाई ये हमने प्रैक्टिकल किया छोटा सा उसमें भी ये आया कि एक्यूरेसी बढ़ाएंगे एक्यूरेसी एंट्रोपी uh, बढ़ती है एटॉमिक को जब हमने थियोराटिकल एटॉमिक क्लॉक पे ये चीज़ लगाई तो उधर भी हमें ये चीज़ मिली सो so, पर हम ये श्योर नहीं है कि एक्चुअली यूनिवर्स में ऐसा होता है क्यों क्योंकि देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्लॉक्स फॉर विच द रिलेशनशिप फॉर एक्यूरेसी एंड एक हैव बीन टेस्टेड हैव नॉट बीन टेस्टेड मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जिनका हमने टेस्ट नहीं किया राइट इट इज स्टिल अनक्र हाउ दिज प्रिंसिपल्स प्ले आउट इन द रियल डिवाइसिस सच एज अटोमिक क्लॉज एंड पुश अल्टीमेट क्वांटम लिमिट ऑफ एक्सी राइट वो कह रहा है कि भाई थेरोटिकली तो ये सही है कि अटोमिक में करेंगे पर हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में तो ये दिस इज मोर ऑफ ए डिस्क्लेमर राइट वो ये कह रहा है कि आप गलत कंक्लूजन मत ड्रॉ कर लीजिए ये किसने कहा एम एम ने कहा टी एन सी आईलैंड में कहा ठीक है यूजली कैट ना ये क्वेश्चन नहीं पूछता है आप अगर लोअर लेवल पेपर देंगे कोई तो उसमें शायद आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई मैच द फॉलोइंग है ना ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन मिची मार्चिन और ये भाई जो था मार्कर अर्थर ऑस्टन एकेडमी ऑफ साइंसिस एंड देन योर आर नटाल सीज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड दिस कैन बी अ वेरी गुड मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन राइट बट दिस विल नॉट कम इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कॉल्ड कैट बिकॉज इन कैट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर इनफ्रेंस बेस्ड राइट गॉटेड बेटा ओके अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप कुड भी हेल्पफुल फॉर डिजाइनिंग क्लॉक्स इन द फ्यूचर मतलब ये जो रिलेशनशिप है दो रिलेशनशिप है पहला रिलेशनशिप क्या है कि जब एक्यूरेसी बढ़ती है एनट्रॉपी बढ़ती है दूसरा रिलेशनशिप क्या है कि ये रिवर्स में ट्रू नहीं है एकूरेसी की अपर लिमिट है हाँ सो सेज तो ये कह रही है कि भाई हो सकता है फ्यूचर में ये काम आए क्योंकि क्वांटम क्लॉक्स में एक्यूरेसी और टेम्परेचर दोनों ही बड़े क्रूशियल होते हैं राइट द दिस फाइंडिंग कुड हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग मोर जनरली हाउ क्वांटम कुड ऑल्सो उसने ये नहीं कहा कि हेल्प कर रही है कर सकती है कि क्वांटम वर्ल्ड और उसकी दुनिया को जानने में ना क्योंकि वो भी थर्मोडाइनमिक्स और पैसेज ऑफ टाइम के साथ लिंक्ड है तो शायद हमारी हेल्प हो जाए तो बेसिकली एक रिसर्च पेपर का सिनॉपसिस है एक रिसर्च जर्नल से लिया गया आर्टिकल है ये पहला क्वेश्चन बेटा जी तो अच्छा इसको समरी यही समरी है पहले उसने बताया कि भाई एक रिसर्च में ये पता लगा एक्यूरेसी और इसका है ये एरिस बहन ने बताया था फिर दूसरे मार्कर्थर जो था जो भी था उसने ये बताया कि ये है तीसरा बंदा जो कह रहा है इसकी भाई बहुत सारी जो है एप्लीकेशंस हो सकती हैं हालांकि ये क्लियर नहीं है थ्योरेटिकली उन्होंने करके देखा है कि ये क्वांटम क्लॉक्स में भी काम आएगी ये चीज़ उसके अंदर इसका एप्लीकेशन हो सकता है राइट चलिए तो पहला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजिज ऑफ द बेस्ट की वर्ड्स ये इस टाइप का क्वेश्चन वी हैव सीन यू नो इन कैट इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी सेट ये आपका आया है तो इस दिस इज कॉल्ड सिनॉपसिस ऑफ द होल पैराग्राफ राइट तो जो ये पॉइंट लिखे मैच कर जाएंगे सिलिकॉन नाइट्राइड भाई एग्जांपल के लिए यूज हुआ था राइट एनर्जी ग्रैंड क्लॉक वॉज नॉट द मेन थिंग मेजरिंग टाइम एक्यूरेसी एंट्रोपी आंसर आ गया इससे ज्यादा क्या इजी क्वेश्चन होगा भाई देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए पैराग्राफ समझना जरूरी है बहुत जरूरी है राइट ऑथर मेक्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द पैसेज एक्सेप्ट कौन सी स्टेटमेंट ऑथर नहीं बता रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन एक्यूरेसी एंड एंट्रोपी मे नॉट अप्लाई टू ऑल क्लॉक्स बिल्कुल सही बता रहा है ये ये उन्होंने बताया था कहाँ बताया था कहा बताया था भाई उन्होंने यहाँ बताया ना उन्होंने कि ये हम सभी टाइप के फर्म वी आर नॉट श्योर वेदर वी कैन राइट ओके रिसर्चर्स फाउंड दैट हीट प्रोड्यूस एन ए सिस्टम इज द प्राइस पेड फॉर द इनक्रीज एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट नहीं ये नहीं बताया नहीं नहीं नहीं, नहीं। उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक्यूरेसी कम्स विद ए प्राइस और वो प्राइस क्या है दैट वी आर पुटिंग ऑर्डर इनटू द देखो यहां पे लिखा है प्राइस क्या है वो प्राइस क्या है कहा है प्राइस इन दिस केस यू पे फॉर हिट बाय पॉरिंग मोर ऑर्डर्ड एनर्जी उसमें ऑर्डेड एनर्जी डालना प्राइस है आर यू गेटिंग इट बट वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो प्राइस नहीं है ऐसा नहीं कहा है राइट इट्स कम वी आर इट इज नॉट डायरेक्टली सेट राइट पेड फॉर द इंक्रीज एक्सी ऑफ मे सर नो 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 दिस दिस इज ये बोल रहे हैं ना इन दिस केस राइट और इन जर्नल मेजरमेंट कम्स विद ए प्राइस बट इट इज ए हीट नो दिस कैन नॉट बी द आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज राइट देर इज नो डिफरेंस इन द एक्यूरेसी बटवीन एन इन ग्रैंड फादर क्लॉक एंड अटॉप हाँ इनकी एक्यूरेसी में डिफरेंस नहीं है एफिशिएंसी में बहुत डिफरेंस है राइट ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम टाइम दे रहे हैं सेम टाइम दे रहे हैं देर इज नो प्रैक्टिकल डिफरेंस आना चाहिए मतलब राइट बट ऑथर ने जो पॉइंट आर्ग्यूमेंट पेश किया था कि भाई उनकी जो एफिशिएंसी है एक्यूरेसी है वो अलग नहीं है बट ये दादा वाला क्लॉक एनर्जी बहुत खा रहा है राइट right? और ये एनर्जी नहीं खाता है राइट right? इसीलिए उसने जो रिवर्स रिलेशनशिप था उसको ट्रू करने के लिए ये कहा था कि एंट्रोपी जो है वो एक्यूरेसी नहीं देती इसीलिए कार वाली एग्जांपल दी थी तो ये जो है ये सही है पर आंसर नहीं है सो दिस इज द आंसर दिस इज द एब्सोल्यूट आंसर राइट यू गॉट दैट एवरीवन वन थ्री इज नॉट द आंसर वो उसने लिटरली कहा है कि भाई uh, <coughs> उसका भावना समझो उसकी उसकी भावना ये है कि दादाजी का जो क्लॉक है वो भी समय दिखा रहा है पर वो समय दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एंट्रोपी खा रहा है मतलब अटोमिक क्लॉक बहुत ये बहुत ज़्यादा एंट्रोपी के साथ वो एक्यूरेसी दे रहा है राइट दादाजी का क्लॉक और हमारा जो एटॉमिक है वो थोड़ी सी एनर्जी के साथ एक्यूरेसी दे रहा है एटॉमिक क्लॉक वाला बट ये क्योंकि ज़्यादा एनर्जी खा रहा है ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है आर यू गेटिंग एट तो इसको जरूरी नहीं है कि कम एकट होना पड़ेगा अगर ये बराबर भी होगा तो भी वी, वी विल से के दिस इज मोर इनएफिशियंट यही वो कहना चाह रहा था जो सेकेंड रूल था देखो ना दो चीज़ें कही पहली चीज़ क्या कही एकूरेसी गिव्स एंट्रॉपी राइट दैट गिव्स हीट ये पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट क्या कहा एक्यूरेसी की लिमिट है भैया ऐसा नहीं है कि तुम एंट्रोपी बढ़ाते जाओगे एक्यूरेसी बढ़ती मतलब एक्यूरेसी एक लिमिट तक बढ़ेगी उससे न, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगी मतलब क्या हुआ उसने कहा कि आप कितनी भी एंट्रोपी डाल दो जरूरी नहीं है एक्यूरेसी ज्यादा होगी उसकी एग्जाम्पल उसने ग्रैंडफादर से कहा पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम होगी ये आर्ग्यूमेंट नहीं था उसका तो इसीलिए दिस इज नॉट द आंसर दिस इज द आंसर

तो ये कह रहा है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट इन्फर की जा सकती है एरो ऑफ टाइम हैज नॉट येट बीन टेस्टेड फॉर अटोमिक क्लॉक्स ये स्टेटमेंट इन्फर कहां कर सकते हैं हम टाइम हैज नॉट बीन टेस्टेड उसने ये कहा था कि कुछ क्लॉक टेस्टेड नहीं है एरो ऑफ टाइम के लिए ये नहीं कहा है कि वो टेस्ट हुआ या नहीं हुआ सो दिस इज नॉट द स्टेटमेंट क्वांटम कंप्यूटर्स आर लाइकली टू प्रोड्यूस मोर हीट हैंस मोर एंट्रोपी बिकॉज ऑफ द एम्फोसिस ऑन द क्लॉक एक्यूरेसी लाइकली कहा है तो लिया जा सकता है इसको अगर वो कहता है करते ही है ऐसा नहीं पता ग्रैंडफादर क्लॉक्स आर लाइकली टू प्रोड्यूस लेस हीट एंड हैं नहीं भाई देखो अगर कोई बंदा कम एक्यूरेट है तो वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा ऐसा उसने नहीं किया उसने कहा ज्यादा एक्यूरेसी करोगे उससे हीट प्रोड्यूस होगी और उसकी भी एक लिमिट है ये चीजें आपको समझनी होंगी नहीं तो आप सारे क्वेश्चन गलत कर देंगे अ क्लॉक विद विद्रेन ऑफ सिलिकॉन हैज बीन मेड टू वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग नहीं भाई इलेक्ट्रिक करंट दिया था तो वाइब्रेट किया था ये नहीं है कि वाइब्रेट किया तो इलेक्ट्रिक करंट आया ये रिवर्स कर दिया इसने डिटॉर्शन कर दी तो ये भी नहीं आंसर है सेकेंड आंसर आ गया इसका कट एड लास्ट क्वेश्चन इट इज इट इट्स अ बिट लाइक फ्यूल यूज कार जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग मोर फ्यूल पर्पज ऑफ दिस एग्जाम्पल इफ़ यू गो फास्टर इन ए कार यू विल टेन टू कंज्यूम मोर फ्यूल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू यही चीज़ है कन्वर्स इज नॉट ट्रू राइट सेम वे इंक्रीज इन ट्रॉपी डज नॉट नेसेसरी मीन ग्रेटर एक यही आंसर है राइट right? बाकी ऑप्शन भी देख देते हैं फर्दर यू गो इन कार मोर फ्यूल यू यूज इन द सेम वे फास्टर यू गो इन कार लेस टाइम यू यूज ये फास्टर जाएंगे कम टाइम होगा ये चीज़ की इसको बताने के लिए उसने नहीं दिया हालांकि ये सच है <laughs> ठीक है पर दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ गिविंग दिस एग्जाम्पल राइट इफ यू मेजर द स्पीड ऑफ ए कार विद ग्रैंड फादर क्लॉक द रिजल्ट विल बी ऑल टूगेदर न्यू थिंग पता नहीं क्या बना दिया इसने द फर्दर एंड फास्टर यू इन द कार द ग्रेटर अमाउंट यू विल यूज द ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एंड हैंस ग्रेटर दिन नहीं भाई कार की टाइम से इन प्रोड्यूस होगी ऐसा नहीं है ये अलग एग्जाम्पल है ये अलग एग्जाम्पल है सो दिस दिस इज नॉट दिस इज द आंसर राइट ओके 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 मजा आ रहा है भाई आई होप यू आर एंजॉइंग इट चलिए अब आ गया हमारा फेवरेट क्योंकि ये जो हमने पैसे जब पढ़ा करने के लिए एकदम मज़ा आ गया मतलब एकदम इसमें ना एक एक, एक इसने सेंटेंस दिया है जो यहाँ से शुरू होता है और भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब वो यहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ पे नहीं कहाँ पे साइकोलॉजिस्ट तो अब समझ के देखो कि एक सेंटेंस कितना बड़ा है एक सेंटेंस दिस इज़ ए सिंगल सेंटेंस राइट सिंगल सेंटेंस बट क्योंकि ये बड़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट होगा ठीक है ये लेंदी है तो डिफिकल्ट होगा ज़रूरी नहीं है समझते हैं भाई टुडे वी कैन हार्डली कंसीव ऑफ आर सेल्स विदाउट एन अनकॉन्शियस राइट अनकॉन्शियसनेस अनकॉन्शियस सो इसके बिना हम अपने आप को समझ नहीं सकते ठीक है येट बटवीन सेवनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन हंड्रेड दिस नोशन कौन सा नोशन अनकॉन्शियसनेस का डिवेल्प एज ए जैनुअनली ओरिजिनल थाट मतलब उस समय ये नई चीज़ थी लोगों के लिए सत्रह सौ सदी से लेके सत्रह सौ से लेके अठारह सौ बीच में है राइट right? यह बिल्कुल नई चीज़ थी आजकल हम इसके बिना हम सोच नहीं सकते हैं द अनकॉन्शियस बर्स्ट ऑफ शेल ऑफ कन्वेंशन द अनकॉन्शियस बर्स्ट द शेल ऑफ कन्वेंशनल लैंग्वेज क्वाइंट एज इट हैड बीन टू एम्बॉडी द फ्लीटिंग आइडियाज and the shifting conception of several generations until it finally became fixed and defined in specialized term within the realm of medical psychology and uh, Freudian psychoanalysis. ये जो बंदा है ना Zingmund Freud, right? अगर आप German में पढ़ेंगे तो आप इसको Zigmund Freud पढ़ेंगे अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सिंगमुंट फ्रॉयड पढ़ेंगे, राइट ये कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, समय के साथ अपने आप बेटर हो जाएगा पता चलता रहेगा करते रहोगे बट इसका आपकी इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं है कि आप इसको फॉयड या फ्रॉयड बोल रहे हैं ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है आई यूजली आई एम नॉट वेरी बिग एडवोकेट ऑफ प्रनउंसिंग थिंग्स यू नो राइट सीखना चाहिए सीखिए बहुत अच्छी बात है बट देर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग इन दिस राइट यू यू कैन प्रोनाउंस द वे यू आर यू आर नॉट एन इंग्लिश मैन सो यू नीड नॉट स्पीक इंग्लिश इन ए इंग्लिश वे अच्छी बोलेंगे बढ़िया है किसी भी भाषा का ज्ञान सिर्फ उसकी प्रोनाउंसिएशन तक लिमिट नहीं होता प्रोनाउंसिएशन उसका एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है देर इज नो डाउट अबाउट इट बट बट आप उससे आप उसका कंप्लीट एनालिसिस नहीं मान सकते हैं जैसे कि लोग बोलते हैं स्क्यूलिंग राइट तो भाई जो देसी लोग रहते हैं हमारे जैसे उनको थोड़ा परेशानी हो जाती है स्क्यूलिंग बोलने में धीरे धीरे सीख लीजिएगा पर अपने आप को इन्फीरियर मत फील कीजिए अगर आपको ये भाषा ये शब्द नहीं बोल पा रहे हैं राइट और अगर कोई बंदा बोलता भी है तो कोई बात नहीं उसको चुपचाप सुन लीजिए अगर वो बोलता है कि भाई फ्रॉयड होता है फ्यड उसको बोल देना बता देना कि भाई फ्रॉयड जो है वो इंग्लिश में होता है इंग्लिश में फ्यूड ही बोला जाता है राइट फॉइड फॉइड और जिगमुंड बोलते हैं नो जर्मन के अंदर इसको जर्मन में जिगमुंड बोलता है नहीं बोलते हैं इंग्लिश में सिगमुंडी बोलते हैं राइट और ठीक है जहाँ जहाँ हम लैटिन जो है उससे अंग्रेजी में बहुत सारे बदलाव हैं अंग्रेजी से हमारी हंग्लिश में बड़े सारे बदलाव हैं तो चिल द वोकेबलरी कंसर्निंग अच्छा ये तो आइडिया ही गायब हो गया इसके अंदर दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो हाँ इसने कहा था कि जो अनकॉन्शियसनेस है जो अनकॉन्शियसनेस है वो इस सदी में उसको एक मीनिंग मिला राइट पहले उसको एक ओरिजिनल थॉट समझा लोगों ने इसके पहले इस समझ नहीं थे और इस सभी सालों ने इनके कन्वेंशनल लैंग्वेज में जो इसको नो उसका जो शेल था उसको ब्रेक किया और एक डिफाइंड और फिक्स्ड मीनिंग मिला जो कि फाइनली उसको मेडिकल uh, साइकोलॉजी और uh, 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 जो ये हमारा फ्रॉयड है उसके साइको एनालिसिस के अंदर जगह मिली भाई इसके बारे में जरूर पढ़ लेना इसके ऊपर आता ही आता है क्योंकि साइकोलॉजी इज इक्वल राइट इसके ऊपर कुछ ना कुछ आता ही आता है हर साल कैट के अंदर तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना द वोकेबलरी कंसर्निंग द सोल एंड द माइंड इंक्रीज एनॉर्मस इन द कोर्स ऑफ नाइनटीन सेंचुरी तो नाइनटीन सेंचुरी में सोल और माइंड को लेके जो वकेबलरी थी वो बहुत बढ़ गई द इनरिचमेंट ऑफ लिटरेरी एंड इंटलैक्चुअल लैंग्वेज लेट टू अल्टर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग दैट अंडरलाइन टाइम ऑनर्ड एक्सप्रेशन एंड द ट्रेडिशनल कैच वर्ड्स मतलब जैसे जैसे नई अंडरस्टैंडिंग बढ़ी तो उन्होंने हर चीज को ज्यादा बेटर तरीके से डिफाइन करना शुरू कर दिया ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आ गया उस लैंग्वेज उन चीज़ों का जिसको हम ट्रेडिशनली एक छोटे छोटे एक मतलब सिंपल वर्ड से उसको समझते थे अब क्योंकि हमारी वोकेबलरी बढ़ गई और हमारा अनकॉन्शियसनेस को रियली really हमने अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया और फ्र्यूड ने उसको अपने एनालिसिस के अंदर एक जगह दे दी राइट right? फ्रॉड ने तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें मीनिंग क्लियर नहीं था उसको हमें फ़ायदा हो गया एनरिचमेंट हो गई इसकी ठीक है ओके एट द सेम टाइम वंस क्वाइंट पावरफुल न्यू आइडियाज़

लिंक हो गए उसको भी इन्होंने अट्रैक्ट कर लिया बेसिकली ये कह रहा है कि जो अनकॉन्शियसनेस है ठीक तो अनकॉन्शियस है उसने उसके इस इस नई नोशन आने से क्या क्या चेंजेस आई डेट इज ही हैज़ टॉक्ड अबाउट और उसने पहले बोला कि इससे अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ गई और साथ ही साथ में क्या हो गया बेटा साथ ही साथ में क्या बेनिफिट हो गया कि बेनिफिट नहीं क्या नुकसान क्या हो गया कि बहुत सारे अन अन रिक्वायर्ड अन रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सपीरियंसिस ये सारे क्या हो गए भाई अट्रैक्ट हो गए उधर की तरफ चले आगे पढ़ते हैं द ड्रॉन आउट अटेम्प टू अप्रोच एंड डिफाइन द अनकॉन्शियस ब्रॉड टू द स्परिचुअलिस्ट ठीक है मतलब अनकॉन्शियस को डिफाइन करने में क्या क्या हो गया स्पिरिचुअलिस्ट को इकट्ठा कर दिया इसने द साइकियल साइकिकल साइकिल क्या बोलेंगे इसको साइकिकल साइकिकल साइकोलॉजी साइकिकल साइकिकल ही है ना इसको एक मिनट द किस किस को स्पिरिचुअलिस्ट को साइकील साइकिकल को एंड साइकल रिसर्चर साइकिक साइकिकली बोलेंगे यू हैव टू चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस साइकिकल क्या प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी लेटस्ट चेक इट आउट साइकल जस्ट वन मिनट Psychical. 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 हाँ, बिल्कुल रिलेटेड है साइकिकल रिसर्चर राइट बॉर्डर ऑफ द बॉर्डर लाइंड फिनमिना मतलब जो आसपास में घूमते कौन से अपरेशन स्पेशल एल्यूजन हॉन्टेड हाउसेज मीडियम्स ट्रांसेज ऑटोमेटिक राइटिंग तो मतलब इन सब चीज़ों के जो आसपास घूमने वाले साइकिकल रिसर्चर्स थे उनको स्पिरिचुअलिस्ट लोगों को द साइकेट्रिस्ट और एलियनिस्ट प्रोबिंग द नेचर ऑफ मेंटल डिजीज और एबनॉर्मल हेलुसिनेशन डेरिलियम डेरीलियम मेलनकोलिया मैनिया मानिया द सर्जन परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस राइट With the aid of hypnotism, the magnetizer, magnetizer claiming to correct the disequilibrium in the universal flow of magnetic fluids, but who soon came to be regarded as a clever manipulator of the imagination, the psychologist and the physician who puzzled who puzzled over sleep, dreams, sleepwalking, anesthesia. The influence of mind on the body in health and disease, right? Just like a placebo effect. Right? Right? Cat neurologist concerned with the functions of okay, neurologist concerned with the functions of the brain and the physiological basis of mental life. The philosopher interested in the will, emotions, consciousness, knowledge, imagination, creative genius. Last but not the least, the psychologist, right? तो क्या बोलता है कि भाई ये जो अटैम्प्ट थी अनकॉन्शियस को डिफाइन करने की उस अटैंप्ट ने उस चीज ने ये सब बंदों को स्परिचुअल ये ये, ये 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 इन सब बंदों को एक साथ खड़ा कर दिया राइट right? क्योंकि दे वर ऑल डीलिंग विद द सेम थिंग सिग्निफिकेंटली मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस फॉर एग्जाम्पल दिस दिज इज हिपनोटिज्म इन सर्जरी ऑरिजिनेटेड इन वेनिंग ईयर्स ऑफ द एटींथ सेंचुरी एटींथ सेंचुरी जाते जाते एंड ड्यूरिंग द अर्ली डेड्स ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी एड डि ऑफ द इसप्लिन राइट जैसे कि ये कुछ कुछ डिसिप्लिन हुए उसके साथ साथ में इनकी डेवलपमेंट हुई राइट राइट मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ दीज राइट तो इसमें मोस्टली जो चीज़ें हैं ये उसने बताया कि इस पीरियड में ही ओरिजिनेट हुई है ना एटीन सेंचुरी जाते हुए नाइनटीन सेंचुरी आते हुए द मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स टू वर आइदर न्यू और अज्यूम्ड हेथर टो अनोन कलर्स राइट जितने भी मेजोरिटी टॉपिक डिस्कस किए वो सब नए थे दस बिफोर सेवनटी नाइनटी वेनिंग ईयर एटीन सेंचुरी फ्यू इफ एनी स्पोक in medical terms of the affinity between creative genius and the hallucination of the insane striving vaguely and independently to give expression to a latent conception various lines of thought can be brought together by some novel term तो इसने बोला कि भाई उस समय इतना ज़्यादा ये मिक्स मसाला हो गया कि किसी को ये समझ नहीं आ रहा था भाई ये consciousness unconscious क्या है किसको चीज है मतलब जो क्रिएटिव जीनियस है उसका भी ये चीज़ आ रही है हेलुसिनेशन में भी यही आ रही है वो भी सब लोग इसको स्टडी कर रहे हैं द न्यू कॉन्सेप्ट देन सर्व्स एज ए काइंड ऑफ रेस्टिंग प्लेस और स्टॉक टेकिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज गिविंग सेटिस्फेक्शन एज स्टेमस फॉर फर्दर डिस्कशन और स्पेकुलेशन तो इसके आने से बेनिफिट क्या हुआ नए कंसेप्ट के राइट दैट यू कैन डू स्टॉक टेकिंग ऑफ द आइडियाज मतलब तो आप सीरियसली देख सकते हैं कि कौन कौन से आइडिया इस फील्ड के रिलेटेड है दस द मैसिव इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म अनकॉन्शियस बाय हार्ट मैन इन एटीन सिक्सटी नाइन टू फोकलाइज फोकलाइज होता है अच्छा वर्ड लगा मेरे को ये फोकलाइज मीन्स टू फोकस अपॉन है ना किसी चीज पे फोकस लेके जाना ध्यान केंद्रित करना मैनी स्ट्रे थॉट्स जो इधर उधर घूमते हैं ना उनको सबको एक लिखाया अफोर्डिंग A temporary feeling that author ne judgment ki hai, ki ye feeling temporary hai, that a crucial step had been taken forward, compre a comprehensive knowledge gained, and a knowledge that required only further elaboration, explication, and unfolding in order to bring in a bounty of higher understanding. तो मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई उनको एक फीलिंग आई कि एक स्टेप ले लिया गया है उनको लगा कि ऐसी नॉलेज आ गई है पर वो कैसी नॉलेज थी जिसको फर्दर एक्सप्लोरेशन चाहिए थी बहुत सारी अनफोल्डिंग चाहिए थी ताकि हायर एजुकेशन बाउंड्री मतलब थोड़ा सा पार्ट बाउंड्री इज़ आई थिंक वेरी स्मॉल पार्ट राइट बाउंडी बाउंडी और इट इज़ ए बिग पार्ट इट इज़ लिंक्ड विद द क्वान्टिटी आई एम जस्ट कन्फ्यूजिंग द मीनिंग बाउंड्री उछाल hmm? Bounty is some paid for killing or capturing a person. It's reward. Right? Bounty for higher understanding. Bounty is a reward. It's a reward. Right? Okay. Uh, untimely, un ultimately, ultimately, Hartman's attempt at defining the this proves fruitless because he extends its reach into every realm of organic and inorganic. स्पिरिचुअल इंटलेक्चुअल एंड एक्सिस्टेंसियरली डेल्यूटिंग प्रिसीजन एंड कॉम्प्रोमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट तो एंड में आते आते हमारे ऑथर ने क्या किया एंड में आते, आते ने क्या किया? उसने बोला ये जो अटैम्प्ट थी अनकॉन्शियस को डिफाइन करने की उस अटैंप्ट ने फायदा कम किया नुकसान ज्यादा किया जो इस कॉन्सेप्ट uh, का इम्पैक्ट होना चाहिए था वो डिक्रीज हो गया क्योंकि आलतू फालतू इधर के बहुत लोग इसके अंदर आ गए और ये सब हौच हो गया राइट right? और यही मेन इसका पैसेज का क्रक्स है सो ऑब्वियसली दिस वाज़ ए पैसेज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट सो यू शुड अवॉइड सच पैसेजेस इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ इट राइट right? आप इसको uh, मतलब अवॉइड कर सकते हैं बट अगर आपको ये आइडिया है आप समझते हैं मेरा ऑथर क्या बोल रहा है तो भाई फिर जरूर करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए ठीक है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसीडर्ड वैलिड इन्फ्रेंसिस फ्रॉम द पैसेज ठीक है न्यू कंसेप्शन इन द नाइनटीन सेंचुरी कुड प्रोवाइड न्यू नॉलेज बिकॉज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फील्ड सच एज एनिस्थीजियोलॉजी यहाँ तक ठीक था पर इसमें गड़बड़ होगी, राइट एनस्थियोलॉजी तो उसने वैसे मेंशन किया एनेस्थीजिया बट इस कॉन्सेप्ट के कारण एनस्थीजिया की नॉलेज बढ़ गई नहीं भाई ऐसा नहीं उसने कहा इस कॉन्सेप्ट के आने से इन कॉन्सेप्शन के आने से इन सब में एक रिलेशन समझ में आया इन सब के अंदर एक सब लोगों को एक फील्ड में ले आए इसको ठीक है ना इनको इकट्ठा कर लिया पर इनकी एनिस्थीजिया की नॉलेज बढ़ेगी नहीं भाई ये तो पहले से ही था तो यही आंसर हो सकता है क्योंकि ये इन्फ्लुंस नहीं किया जा सकता अनरिलेटेड रिलेटेड टू बी ट्रीटेड एज रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉलेज ऑफ माइंड ग्रू इन द बिल्कुल यही तो मेन क्रक्स है कि अनरिलेटेड चीज़ें थी जो मतलब बोलो ना क्या क्या बोल रहा है वो फिजिशियन साइकोलॉजिस्ट स्पिरिचुअलिस्ट साइक्लिकल है ना साइकिकल ना मैग्नेटाइजर सब एक ही चीज़ की इकट्ठे कर दिए इसने विदाउट लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट्स ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी द ग्रोथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोल एंड माइंड मे नॉट हैव हेपेंड हाँ ये किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने कहा कि ये वोकेबलरी बढ़ी और ये बढ़ी उससे सारा सारा ये प्रोग्राम हुआ एटीन सेंचुरी थिंकर्स वर द फर्स्ट टू कंसीव कनेक्शन बिटवीन क्रिएटिव जीनियस एंड इंसेनेटिव वो यहाँ पे कहा गया है ठीक है तो दिस इज एग्जैक्टली यू नो राइट राइट ओके नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेट क्लोजेस्ट मैपिंग द मेन आर्ग्यूमेंट है ना मैपिंग द मेन आर्ग्यूमेंट साइको एनालिसिस है लैंग्वेज भी है इनफैक्ट कॉन्शियसनेस भी है मतलब अनकॉन्शियस भी है लेटेंट कंसेप्शन नहीं है ड्रीम्स तो बिल्कुल भी नहीं है ड्रीम्स इज़ नॉट द मेन आइडिया इनसेनिटी नहीं है मेन आइडिया साइकेट्री मैग्नेट ये तो एग्जाम्पल्स दी गई हैं तो ये एलिमिनेट कर दो ये आंसर आ गया पहला राइट right? लैंग्वेज क्योंकि लैंग्वेज आई तो ही तो कहानी बनी ना भाई उसने कहा कि नए नए वर्ड्स आए नए नए उसने मेडिकल जो वोकेब्लरी है यहाँ पे लिखा है ना द वकेबलरी कंसर्निंग द सोल है ना तो इनक्रीज है ये सारा है कन्वेंशनल लैंग्वेज है ना इसको बस्ट किया इसकी डेफिनेशन ने कट इट कन्वेंशनल लैंग्वेज को सो दिस इज दिस इज एब्सोल्यूटली राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स वर्ड पैसेज इज ऑल अबाउट कोलेटिंग ऑफ द डाइवर्स आइडियाज अंडर द सिंगल टर्म यस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अनकॉन्शियसनेस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइकल रिसर्च नहीं भाई साइकिकल रिसर्च नहीं है साइकिकल रिसर्च नहीं बहुत कुछ और है तो ये आउट हो गया डिस्कवरी ऑफ एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड नहीं भाई न्यूरो नहीं है न्यूरो के अलावा और बहुत कुछ है ग्रोइंग ऑफ रिकवरी एज सोल ऑफ माइंड एज डाइवर्स नहीं यही आंसर है बिल्कुल सही है सीधा सा है ना यार कोलेटिंग द डाइवर्स आइडियाज अंडर द सिंगल टर्म ठीक है Right. Okay, great to know uh, Sid Gorgi. Uh, I hope you are having great time uh, learning from here. Next, enrichments of the literary and intellectual language led to an altered understanding of the meaning that underlined time honored expressions and uh, traditional catchwords. Huh? लिटरेरी और इंटर इंटलेक्चुअल लैंग्वेज के एनरिचमेंट होने से हमें बहुत सारी चीज़ों की समझ में आई ना जिन चीज़ों को हम कहते थे वो चीज़ें क्या हैं वो हमें इसी से समझ में आया भाई राइट तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेंटेंस वुड क्लोजेस्ट मीनिंग टू द ओरिजिनल टाइम ऑनर्ड एक्सप्रेशन एंड ट्रेडिशनल कैच वर्ड्स वर इनरिच्ड बाई लिटरेसी एंड इंटलेक्चुअल लैंग्वेज बात तो सही कह रहा है देखते हैं चलो मीनिंग ऑफ द टाइम ऑनर्ड एक्सप्रेशन वर चेंज बाई द इनोवेशन चेंज uh, के साथ थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि पैसेज में क्या कहा गया है लिटरेरी एंड द इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज वॉज अल्टर्ड बाय द टाइम ऑनर्ड एक्सप्रेशन इन द कैच वर्ड वहाँ चलते हैं भाई देखते हैं कि क्या आंसर दिया है वहां के ऊपर हमें क्या दिया है यहाँ पे कैच वर्ड्स उसने यूज किया था ये रहा क्या कहा है द एनरिचमेंट ऑफ लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज लेट टू एन अल्टर्ड अंडरस्टैंडिंग मतलब मीनिंग चेंज हो गया उसका अल्टर्ड अंडरस्टैंडिंग राइट सो ये उसके द्वारा इनरिच्ड हो गई ये थोड़ा सा गलत हो गया मतलब इनकी इनरिचमेंट लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज की इनरिचमेंट ने इसको किया तो ये आंसर नहीं हो सकता है हमारा ठीक है सो so हमारा आंसर होगा भाई जो होगा द मीनिंग ऑफ द टाइम ऑनर्ड एक्सप्रेशन व चेंजड अल्टर मतलब चेंज करना अल्ट्रेशन अल्ट्रेस अल्टर इज टू चेंज अल्टर करना ठीक है अल्टर ईगो है ना दूसरे बंदे की आ, को पहल देना अल्टर ईगो ये वर्ड पावर मेडिजी के स्टार्टिंग वर्ड्स हैं चलिए जी लास्ट लास्ट आ गया ये भी बड़ा कमाल का था बट आई व सरप्राइज टू लुक एट दैक ऑफ डाइवर्सिटी दैट हैड इन दीज टू इन दिस लास्ट स्लॉट ठीक है क्योंकि ये वाला मोरलेस मोरोलेस साइंस फिक्शन पे था और दिस सेकंड वाज ऑल्सो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी साइंस एंड दिस वाज साइकोलॉजी एंड दिस इज अगेन समथिंग रिलेटेड टू यू नो साइकोलॉजी और यू नो थिंकिंग ब्रेन एंड ऑल दैट स्टफ राइट सो थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार ये बायसड um, um, हो गया बट एक तरीके से ठीक भी है कि जो इंजीनियर लोग हैं उनको दो पैसेज मिल गए और जो थोड़े ऐसे um, आर्ट्स वाले हैं उनको दो पैसेज मिल गए स्टार्टिंग इन नाइनटीन फिफ्टी सेवेन नो आम चॉम्पस्की प्रोक्लेम्ड द न्यू डॉक्टरिन लैंग्वेज राइट दैट मोस्ट ह्यूमन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स वॉज इन इट राइट तो भाई एटीन नाइनटीन फिफ्टी सेवन में शुरू करके इन्होंने किया कि भाई जो लैंग्वेज है ये सब राइट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स सब तरह के द मोस्ट ह्यूमन ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स मतलब गोरे काले पतले नाटे छोटे मोटे यू you नो know, सब वो उनके लिए जो है जो लैंग्वेज है वो उनका एक बेसिक है मतलब वो मतलब जन्म से ही समझ लो वो है राइट दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर यू नो नेचुरल इनबॉर्न है इनट मतलब इनबॉर्न है नैचुरल है उनके अंदर ही है ना

यहाँ पे फैकल्टी कई जगह इंस्ट्रूमेंट्स को भी बोल देते हैं टूल्स को भी बोल देते हैं या कोई सिस्टम uh, जो किसी की हेल्प करता है राइट सो ग्रामेटिकल फैकल्टी मतलब कोई ऐसा पार्ट बॉडी का uh, वो उसको करता है जैसे हियरिंग फैकल्टी कह सकते हैं जो सुनने में हेल्प करते हैं राइट right? तो आपका बच्चा भी लिंग्विस्टिक जीनियस है वो सीख नहीं रहा है उसको पहले से ही आता है ये बोल रहा है सिंस दिस मैसेज वॉज काउचड इन टर्म्स ऑफ चम्सकियन थोरटिकल लिंग्विस्टिक राइट काउच मतलब क्या होता है घुस जाता है दस जाता है उसके अंदर राइट इन डिस्कोर्स सो ओपेक दैट इट वॉज नियरली इनकॉम्प्रीहेंसीबल इवन टू स्कॉलर्स क्योंकि कुछ स्कॉलर भी इसको नहीं कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे थे मैनी पीपल डिड नॉट हियर इट मतलब लोगों को तो पता ही नहीं था इवन स्कॉलर्स भी इसको नहीं समझ पा रहे थे ये वाली जो चीज की कब तक कब तक कब तक राइट नाओ इन अ ब्रिलियंट विटी एंड ऑल टुगेदर सेटिस्फाइंग बुक मिसर चॉम्सकीज़ कॉलीग स्टीवन स्टीव पिंकर एस पी हैज़ ब्रॉड हैज़ ब्रॉड मिस्टर चॉम्सकीज़ फाइंडिंग्स टू एवरी मैन मतलब उसने एक बड़ी अच्छी आसानी से समझ आने वाली किताब में उसकी सब उसको फाइंडिंग को डाल दिया है

फ्रेंड था है ना उसका क्लिक था उसने भाई सब पॉइंट्स लिए अलग अलग ताकि वो अपने पॉइंट्स बना रखे है ना रख स मतलब अलग अलग एग्जाम्पल से उसने उसको समझाने की कोशिश किया उस किताब को वैन ही डिसग्रीज विद मिस्टर चॉम्प्सकी ही टेल्स यू सो वो बोलता है कि भाई ये किताब सही है पर इसमें ये चीज़ के साथ मैं एग्री नहीं करता हूँ तो इसीलिए दिस इज ऑथर सेज इट इज़ ए सेटिस्फाइंग बुक फॉर मिस्टर सी एंड मिस्टर पी समवेयर इन द ह्यूमन ब्रेन देयर इज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ न्यूरल सर्किट्स ये दोनों का नाम दे रहा है मतलब ये दोनों लोग इस चीज़ को एग्री करते, तो करते हैं कि इसपे इस पर इस पर वो हैं ठीक है तो इसके ऊपर जो है दोनों बंदे एग्री करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन देयर इज ए कम्प्लेक्स सेट ऑफ न्यूरल सर्किट्स दैट है प्रोग्राम्ड विद सुपर रूल्स जिसको मिस्टर चॉम्स की यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं हाँ यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं दैट आर अनकॉन्शियस एंड इंस्टिंक्टिव तो उन्होंने बताया कि हमारा जो ब्रेन है उसमें एक न्यूरो सर्किट है जिसके अंदर ग्रामर के रूल पहले से ही मतलब यूनिवर्सल ग्रामर है वो हर बच्चे को समझ में आ जाती है हाफ ए सेंचुरी एगो दिस वुड हैव बीन है ब्लैक बॉक्स थ्योरी मतलब लोग इसको मानते नहीं लोग बोलते यार ऐसे ही ये फालतू की चीज़ है है ना नो सिंस वन कुड नॉट एक्चुअली पिन पॉइंट दिस फैकल्टी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन मतलब कहा है वो बोलते दिखाओ भाई किधर है ठीक है और डिस्क्राइब इस फंक्शनिंग बताओ ये काम कैसे करती है बट नाउ थिंग्स न्यूरोउंड ब्लैक बॉक्स इज सिचुएटेड इन एंड अराउंड दिस ए मतलब कोई एरिया है दिमाग के लेफ्ट ऑफ द फोर ब्रेन राइट तो ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं ये एरिया तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो इन्होंने पहले एक पॉइंट रखा कि भाई दिमाग में पहले से ही ग्रामर फैकल्टी मतलब बंदा ग्रामर समझता है भाषा बोलना सीख जाता है वो उसको बाय बर्थ ही आता होता है ये चीज अगर ये पचास साल पहले कहते तो कोई मानता नहीं क्योंकि अब न्यूरोसर्जन जो हैं वो इस चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं अनलाइक मिस्टर चॉम्स्की मिस्टर पिंकर अच्छा ये अनलाइक आ गया पहले उसने बता दिया वो कहाँ पे उसको एग्री कर रहा है बता रहा है कहाँ डिसएग्री कर रहा है फॉर्मली प्लेस इज द वायरिंग ऑफ ए ब्रेन फॉर द लैंग्वेज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन मतलब मिस्टर चॉम्सकी ने ब्रेन की डेवलपमेंट को वायरिंग को अलग तरीके से समझाया बट मिस्टर पिंकर कहते हैं कि भाई जो बंदे के अंदर जो लैंग्वेज वाला पार्ट फिट हुआ है वो एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का पार्ट है ही इफ़ेक्टिवली डिस्पोजिज ऑल द क्लेम्स दैट इंटेलिजेंट नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स लाइक चिम्स हैव एनी एबिलिटी टू लर्न एंड यूज़ लैंग्वेज ठीक है तो मसल वो इसने ये पिंकर भाई ने क्या किया उसने कहा कि भाई जो नॉन ह्यूमन है जो इंटेलिजेंट है उनके अंदर ऐसा कोई टूल नहीं होता इट इज़ नॉट दैट कि वो बोल नहीं सकते बट उनके ब्रेन ग्रामर को प्रोड्यूस या यूज़ नहीं कर सकते ऑन द अदर हैंड द लैंग्वेज टू स्पीक

ये अगर आपने थोड़ा सा डार्विन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो सेपियन की किताब पढ़ लो क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि उसके आइडियाज़ के ऊपर आता ही आता है भाई है ना कैट के अंदर आता ही आता है जैसे यहाँ पे भी आपने देखा क्या आया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है और जो हमारा सिलेक्टिव रिप्रोडक्टिव एडवांटेज है मतलब ये क्या है कि जो चीज़ तुम यूज़ नहीं करे जैसे इंसान पूछ यूज़ नहीं करे थे अपनी टेल को यूज़ नहीं कर थे तो धीरे 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 वो खत्म ही हो गई है सो दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिप्रोडक्टिव एडवांटेज राइट दैट ओवर द इयर्स ह्यूमन विल ट्राई टू हैव दैट थिंग विच दे आर यूजिंग मोर एंड ट्राई टू रिड्यूस दैट थिंग विच दे आर नॉट यूजिंग एट ऑल सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर पिंकर द रूट्स ऑफ द लैंग्वेज मस्ट बी इन द जीन्स बट देयर कैन नॉट बी अ ग्रामर जीन और एनी मोर देन देयर कैन नो उसका ऐसा भी उसका रूट जीन्स में है पर इसका मतलब ये नहीं है कोई ग्रामर का जीन ही अलग बन गया राइट right? जैसे कोई यू नो जीन फॉर हर्ट और एनी अदर कॉम्पलेक्स बॉडी स्ट्रक्चर राइट दिस प्रपोजिशन विल अन डाउटली रेज द हैकल्स ऑफ सम ऑफ द बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट फॉर इट अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्स द लिबरल आइडिया दैट ह्यूमन बिहेवियर में चेंज और फॉर बेटर बाय इम्प्रूवमेंट्स इन कल्चर एंड एनवायरमेंट तो बेसिकली वो कह रहा है कि भाई अगर ये सब कुछ जीन्स में ही है तो जो लोग कहते हैं कि इंसानों को बदला जा सकता है साइकोलॉजी में का कुछ रोल है उसके अगेंस्ट हो जाएगा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा क्योंकि ये तो कह रहा है कि भाई पहले से ही बच्चा लैंग्वेज सीखा हुआ है राइट तो इट माइट सीम इन्वाइट टू बुगाबूज ऑफ बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म एंड रेसिज्म तो कहता है कि भाई ये चीज़ जो है हो सकता है हो सकता है ये चीज़ जो बायोलॉजिकली मतलब लोगों को डिफ्रेंशिएट करना और रेसिज्म को प्रमोट करे, बट येट येट मिस्टर पिंकर स्ट्रेस इज वन पॉइंट दैट शुड एलाई सच फियर्स, राइट वन पॉइंट दैट शुड अलई सच फियर्स, राइट तो मतलब वो एक पॉइंट कहता है एक पॉइंट को स्ट्रेस करता है जो ऐसे डर को दूर भगाता है कौन से डर को दूर भगाता है कहते हैं भाई चार हज़ार से छः हजार लैंग्वेज टुडे हैं वहाँ पे दे आर ऑल सफिशिएंटली अलाइक टू बी कंसिडर्ड एज वन लैंग्वेज बाय द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑब्जर्वर मतलब जो बाहर से दूसरे प्लानिट से आया बंदा कोई उसके लिए उस टेरिटरी से बाहर जो से बंदा है उसके लिए वो सेम लैंग्वेज ही है जैसे आप देखेंगे भ्राता है ब्रादर है ब्रदर है तो मैं फारसी भी बता रहा हूँ आपको संस्कृत भी बता रहा हूँ और हम आपको अंग्रेजी भी बता रहे हैं तीनों में भाई सेम सेम टोन आ रही है राइट और सभी भाषाओं में स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर रहता है राइट देयर आर कॉन्सोनेंट देयर आर इज ए वोकेबलरी देयर इज ए ग्रामर देयर इज तो वो कह रहा है कि भाषा जितनी अलग है उससे कितनी ज़्यादा सेम है राइट इन अदर वर्ड्स मोस्ट ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चर्स सो बिलोंग टू एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज सुपरफिशियल माइनर कंपेयर टू द सिमिलैरिटीज मतलब वो जो डिफ्रेंसिज है ना वो सुपरफिशियल हैं वो एक ही जैसे हैं रेशियल डिफरेंसेस आर लिटरली स्किन डीप मतलब स्किन डीप स्किन क्या होती है बहुत पतली होती है मतलब रेशियल डिफरेंसेस बस जैसे वो आपने नाना पाटेकर की मूवी देखी थी ना ये हिंदू का खून मिलाया ये खून मुसलमान का खून मिलाया देखो बताओ कौन किसका खून है वही गरीब और अमीर का खून मिला दो तो बेसिकली वही कह रहा है कि भाई ये जो रेशियल डिफरेंस है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं राइट द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ह्यूमनिटी इज द थीम ऑफ दिस यूनिवर्सल ग्रामर एंड दिस एक्साइटिंग बुक तो यूनिवर्स यूनिटी ऑफ ह्यूमेनिटी पूरा इंसान एक ही हैं ना जो बहुत सारी फिलोसफीज़ में भी कहा गया है राइट एक नूरते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे है ना बाबा नानक ने भी कहा राइट कि भाई सब इंसान सब ह्यूमन बीइंग सब रेसिस एक ही हैं उस चीज़ को ये जो किताब है वो ज़्यादा एग्री करती है ठीक है और एक्साइटिंग है पढ़ने के लिए ठीक है जी फ्रॉम द पैसेज तो मोटा मोटी उसने क्या कहा कि भाई जो ये भाई का आइडिया था हुँ? कि भाई जो भाषा की ग्रामर की समझ है वो बचपन से ही आ जाती है पैदा होती ही आती है वो पहले कोई उसको भाव नहीं दे रहा था ठीक है किसी को पता नहीं था इवन स्कॉलर लोग उसको नहीं पढ़ रहे थे फिर क्या हुआ भाई फिर ये बंदे ने किताब लिखी इसके दोस्त ने इसके कलीग ने तो किताब में उसने पब्लिश किया और वो बड़े अच्छे तरीके से लिखी कि लोग को समझ में आ गया एंड इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इट बिकेम पॉपुलर एंड पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट और किताब का नाम लैंग्वेज इंस्टिंग था और कई जगह वो उसके साथ एग्री भी करता है कई जगह डिसएग्री भी करता है एग्री क्या कहते हैं कभी देर आर सम रूल्स और ब्रेन में एक कही न, कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक एक ना मतलब कहीं ना कोई जगह होती है जहाँ पे न, कि भाई आपका नाम है कि भाई वो ब्रेन का जहाँ पे आपका ग्रामर की ये फैकल्टी रिजाइड करती है अब यही चीज़ अगर पचास साल पहले होती तो शायद कोई विश्वास ना करता बट क्योंकि आज न्यूरोसर्जन ने ये बताया कि भाई ये चीज़ से ये चीज़ होती है तो देयर आर पीपल हु आर एक्सेप्टिंग इट बट वो चॉम्स्की से इस बात से डिसएग्री करता है कि भाई उसने कहा था कि ये जो आया है ये सभी में आना चाहिए ऑल इंटेलिजेंट नॉन ह्यूमन बींग शुड हैव इट ये शायद मिस्टर चॉम्सकी ने कहा मिस्टर पिंकर ने कहा कि डार्विन ने जो कहा कि भाई नेचुरल सिलेक्शन जो है उसको अपने आप पकड़ लेती है जो चीज़ काम की होती है इसीलिए इंसानों में उनके पास एक सिलेक्टिव रिप्रोडक्टिव एडवांटेज थी राइट उनके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसीलिए इंसानों में है और बाकी जो बाकी चैम्पियनजीज हैं और उनमें ये नहीं देखा गया ये नहीं है कि वो बोल नहीं पाते वो बोल पाते हैं बट उनके अंदर ये ग्रामर को यूज़ करने वाली इसने भाषा को अच्छे तरीके से समझने वाला हिसाब किताब नहीं है और एंड में क्या कहा कि भाई कुछ लोग इस भाई से नाराज हो सकते हैं कि तुम तो रेसिज्म की बात कर रहे हो तुम तो बायोलॉजिकली डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे हो पर ये बंदे ने एंड में क्या कहा कि भाई लोगों में सिमिलरिटी ज़्यादा है लोग एक जैसे ज़्यादा हैं और ये जो उनका डिफरेंस है वो बस स्किन के ऊपर ही है मतलब स्किन का ही डिफरेंस है उसके नीचे तो सब सेम ही है उसके सबके अंदर एक दिल है है ना एक लीवर ऐसा तो है नहीं कि भाई जो लोग जापान में उनमें तीन लीवर होते हैं हैं जी या उनके अंदर किडनियाँ पाँच होती हैं या हार्ट उनका किसी और तरीके से बीट करता है मोरलेस दे आर थिंग नो डाउट उनका आइज़ का शेप थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है थोड़ी 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 डिफरेंसेस हैं तो उसने कहा है कि भाई जो डिफरेंसेस हैं वो सुपरफिशियल हैं और जो आपकी सिमिलरिटीज़ हैं वो बहुत हैं इसीलिए उसने कहा कि चार हज़ार से छः हज़ार भाषाएँ हैं ये सब भाषाएँ भी बाहर वाला बंदा एक्स्ट्रा टेरेन मतलब कोई मंगल ग्रह से जो आएगा उसको एक जैसी लगेंगी ठीक हो गया चलिए जी अब क्वेश्चन करते हैं बेटा फटाफट लेट अस डू क्वेश्चन देते हैं ठीक है जी पहला क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द लैंग्वेज इंस्टिक्ट अबाउट एक्सेप्ट विद ऑन सर्टेन ग्राउंड सही है राइट इन ए डिफरेंट स्टाइल ड्रॉज एक्सटेंसिवली फ्रॉम प्रपोजिशन ड्रॉज ऑन बिहेवियरल साइकोलॉजिकल थ्योरी नहीं उनके तो अगेंस्ट है ये तो ये आ गया इसके एक्सेप्ट है भैया ठीक है ड्रॉज ऑन बिहेवियरल साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी के ऊपर नहीं उनको तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करें क्योंकि बिहेवियरल साइकोलॉजी वाले क्या कह रहे हैं कि भाई ये ऐसे नहीं हो सकता है उसको चेंज किया जा सकता है लास्ट पैराग्राफ में यही बात की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन द डार्विनियन एक्सप्लेनेटरी ओके क्या है ऑन द बेिस ऑफ इंफॉर्मेशन दिस एंड दिस में डिस एग्री डारविन वाले पॉइंट पर डिस एग्री कर रहे थे इसको तो वो कॉमन मह रहे हैं इसको भी कॉमन मांग रहे हैं इसको भी कॉमन मांग रहे हैं दोनों तो ने कहा है पर डारविन वाले पॉइंट पर वो अलग अलग हो गए ठीक है ओके अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द लैंग्वेज एक्सेप्ट ऑल इंटेलिजेंट प्राइमेट्स आर गिफ्टेड विद इट ऑल नहीं है ऑल नहीं है उन्होंने कहा यह सिर्फ इंसानों में या ह्यूमन में है जो चिमपिंजी हैं चिम्स हैं उनके अंदर ये नहीं है तो ये हो सकता है इट कन्फर्स एन एवोल्यूशनरी रिप्रोडक्टिव एडवांटेज हाँ है ये डेवलपमेंट इन न्यूरो साइंस एव इंक्रीज इट्स एक्सेप्टेंस हाँ नहीं तो लोग कहते हैं। भाई दिखाओ कि न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं भाई खोल इधर आ दिखाते हैं तुम्हें नॉट ऑल इंटेलिजेंट प्राइमेट्स आर गिफ्टेड विद इट नहीं भाई दे ये सही है मतलब ये भी सही है ये भी सही है ये भी, है ये, भी, है, ये भी है ये गलत हो गया ऑल प्रीमेट्स आर गिफ्टेड विद इट है ना ये तो एक मेन यहाँ पे कहा गया था लास्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज अबाउट पिंकर्स बुक ऑथर कहता भी, आ, है भी बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग बुक है एवोल्यूशनरी एंड डिटर्मिनिस्टिक फ्रेमवर्क ऑफ पिंकर्स बुक मेक्स इट रेसिस्ट नहीं भाई ये रेसिस्ट नहीं है और एनाटोमिकल डेवलपमेंट्स लाइक द वॉइस बॉक्स प्ले अ की रोल इन डिटरमिन लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स हो सकते हैं देखते हैं यूनिवर्सलिटी ऑफ द लैंग्वेज काउंटर्स द क्लेम ऑफ पिंकर्स बुक इज रेस हाँ ये है कि जो लैंग्वेज इंस्टिंक्ट की यूनिवर्सलिटी है वो पिंकर की बुक को रेसिस्ट होने से बचाती है ये ऑथर की पोजीशन है ऑथर ने एंड में यही कहा राइट द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ द ह्यूमिटी इज द थीम ऑफ द यूनिवर्सल ग्रामर एंड एक्साइटिंग बुक राइट यूनिवर्सल चौमसिक इज यूनिवर्सल ग्रामर राइट तो ये भाई आपका कल्चरल इवेंट प्ले क्ले रोल नहीं भाई ये नहीं है क्योंकि ये इसके तो अगेंस्ट जा रहे है। ये तो उसके अगेंस्ट जाएगा जो मेन है तो ये आंसर आ थर्ड आंसर आ गया ठीक है देखो कुछ ऑब्जर्वेशन कि जो आपके पैसेज डिफिकल्ट है ना उसकी ऑप्शन छोटी छोटी हैं और जो पैसेज थोड़ा इजी था उसके ऑप्शन लंबे लंबे हैं ठीक है तो यू हैव टू सी इट हाउ यू कैन बैलेंस दिस प्रिपरेशन राइट आई होप यू एंजॉयड एनी क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स यू कैन आस्क कोई क्वेश्चन है भाई पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं हाँ जी एनी क्वेश्चन गाइस एनी क्वेश्चन सर आई हैव ए गुड न्यूज़ शाइन फातिमा सर व्हाट इज़ द गुड न्यूज़ डियर प्लीज डू लेट मी नो कैसा हुआ आपका भाई कितने ठीक हुए आपके इसमें से हाउ मेनी यू गॉट इट राइट लेट मी नो और ऑल दीज ऑल दीज वीडियोज़ विच आर गिवन टू यू राइट दे आर अवेलेबल ऑन द चैनल द सेम चैनल मिशन कैट राइट और इनके जो टेस्ट हैं वो डिस्क्रिप्शन में है सो ऑल दोज हुचिंग यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस अगेन यू कैन गो एंड अपियर ऑन द लिंक गिवन बिलो उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो का जो टेस्ट है वो दे सकते हैं राइट वेरी गुड अंकित जहाज शुड बी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन और लुक फॉर इजी वंस अंकित भैया जी ये आपके लेवल पे डिपेंड करता है ठीक है जैसे मैं बताता हूँ भाई ये आपका बॉर्डर डिसाइड कर लो ये बॉर्डर है आपका ठीक है ट्वेंटी फोर क्वेश्चन पर बॉर्डर आ जाता है ट्वेंटी फोर मार्क्स के ऊपर अगर आपके इसके ऊपर कंसिस्टेंटली आ रहे हैं नंबर राइट right? तो भाई यू कैन लुक फॉर अटेम्प्टिंग मोर क्वेश्चन राइट बिकॉज द लॉस विल बी लेस बट अगर इससे कम नंबर आ रहे हैं आपके इससे कम नंबर आ रहे हैं राइट right? इससे कम नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन इज द की सिलेक्शन इज द की सिलेक्शन इज द की राइट टेलीग्राम का लिंक अभी शेयर कर देते हैं अभी शेयर कर देते हैं विल जस्ट शेयर द टेलीग्राम लिंक संबड़ी प्लीज टेयर शेयर द हाँ सेवन सेवन uh, uh, yeah. उसके बारे में डिटेल बता देता हूँ सात yeah. से सात 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 में क्या डिटेल है तो सात से सात कल होगा मतलब संडे को इन्फॉर्मेशन है तीन देर आर थ्री इन्फॉर्मेशन अबाउट सन्डे राइट इन्फो नंबर वन इन्फो नंबर वन इज़ कल फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है राइट right? ये पता ही होगा आपको और तीसरा चीज़ जो है वो है सात से सात 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 हमारा वर्कशॉप राइट right? सात 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 से सात 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 सो दिस वर्कशॉप फ्रॉम सेवन ए एम टू सेवन पी एम वी शैल बी कवरिंग फाइव स्लॉट्स फाइव वर्कशॉप्स मैराथन है रियल मैराथन प्लीज डू बी पार्ट ऑफ दिस यू विल इन्जॉय दिस राइट एंड हिमानी डू शेयर द लिंक फॉर सोगो हंड्रेड ऑल्सो राइट यू कैन शेयर इट विद यर जूनियर्स द सोगो हंड्रेड लिंक एंड फीफा वर्ल्ड कप तो भाई सब्सक्रिप्शन खरीदिए जिसकी भी देखना है इट विल भी टेलीकास्टेड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स एन्जॉय दैट कप राइट okay anything else bachcha Shine fatima sir i am getting 30 39 marks in varc no it is very good i am so happy that uh, uh, you got uh, right you I know uh, uh, you got uh, 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 you know good score good improvement and you can always talk on this number one triple five, right you can also join our whatsapp group if you want whatsapp group bhi join kar right i was not getting uh, even a 10 weeks ago right that's good here shine that's very nice please do send me a small video on this i'll share it with all the viewers that uh, uh, you see you got that improvement in your score i'm so happy about you so happy wish you good luck and all the best very much for the cat chetan godse ko link de uska all the very best for your cat ओके गाइज बाय बाय सी यू टुमारो ऑल दो आर ज्वाइनिंग फॉर द सात से सात वर्कशॉप जूम पे रहेगा सात बजे सुबह मतलब छः पचपन पे सिक्स फिफ्टी फाइव आई वॉन्ट यू ऑल टू बी लाइव बिकॉज इसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे बाय